गाइस, मैं एक नई वीडियो बना रहा हूँ। ये वीडियो बेसिकली जैसे हम पुराने ज़माने में एक नई चीज़ होती थी, मतलब अलग सी होती थी, इसको बोलते हैं कैसेट प्लेयर। ये कैसेट प्लेयर है। हम जैसे आजकल हमारे लैपटॉप में या फिर कोई भी सीडी प्लेयर में हम कम्पैक्ट डिस्क चलाते हैं, है ना। वहाँ पे हमें मतलब ऑडियो देखने को मिलता है, वीडियो देखने को मिलता है। ये पुराने ज़माने में ये सीडी का सिस्टम होता था। सीडी के सिस्टम को हम बेसिकली पहले कैसेट बोलते थे, और एक सेट का रिकॉर्ड मतलब प्लेयर है बेसिकली ये। इसमें हम कैसेट डालते थे, यहाँ पे सारा जितना भी था टेक्स्ट जो होता था हम मोड्स चूज करते थे इन बटन के साथ, और ये है हमारा कैसेट का इंसर्ट वाली जगह। बेसिकली कैसेट प्लेयर है ये, नेशनल कंपनी का G10 न्यू जनरेशन कैसेट प्लेयर है। NV G10 का VHS का कैसेट प्लेयर है। ये सुपर स्टील है, सुपर फाइन है। इसमें वायरलेस सारा रिमोट कंट्रोल है, सुपर OTR है, और ये 14 दिन 4 प्रोग्राम टाइमर है। देख रहे होगे, अभी देख रहे होगे आप, इसमें बहुत सारे बटन है इसमें। तो एक एक बटन पे देखते हैं। ये बटन प्ले का बटन है, ये स्टॉप बटन है, ये इजेक्ट बटन है, मतलब कि अगर हमने इसमें वो डाल दी तो यहाँ से इजेक्ट हो जाती है। ये VTR बटन है, आई थिंक सो लेस वो विट्रोल कंट्रोल। और ये हो गया स्टॉप, ये है अपना रिकॉर्डिंग बटन। अगर हम को रिकॉर्ड करना हो, इसके अंदर इनबिल्ट मेमोरी है, वो मेमोरी हम देख सकते हैं यहाँ पर। ये अपने रियू बटन है, रियू बटन, ये अपने FF का बटन है, फास्ट फॉरवर्ड का। ये है अपने रिवाइंड का बटन, ये है पॉज या फिर स्टिल करने का, पुराने ज़माने में पॉज या स्टिल बोलते थे। ये है स्लो करने का, अगर स्लो करनी हो। और फिर आ जाते हैं इसके प्रीसेट्स पे, ये है अपने नॉर्मल प्रीसेट, ये है अपने मेमोरी, ये जैसा मैं आपको बताया था इंटरनल मेमोरी है इसमें। ये यहाँ से हम चैनल सेलेक्ट करते हैं, ये हमारे 3 चैनल्स आ गए, 1 2 4 1 3 U, ये 6 चैनल्स हैं जो काम करते हैं, 3 ऊपर 3 नीचे। ये अपने आ गया फाइन बटन, ये ये प्लस बटन है मेमोरी EFC में। उसके बाद हमारा आ गया प्रोग्राम चेकिंग के लिए बटन है, और यहाँ पे क्लॉक बटन है जो टेक्स्ट शो करता है। ये डे बताने का बटन है बेसिकली, इसके अंदर टेक्स्ट में हमें टाइम वगैरह पता चल जाता है। ये VTR बटन, ये VTR TV के साथ कनेक्ट होने के लिए है। और ये है अपने वॉल्यूम डाउन वॉल्यूम अप का बटन, ये माइनस ये प्लस, ऑन ऑफ के लिए OTR बटन था, ये माइनस और ये प्लस। ये सारा ऑन का सेट है, ये सारा ऑफ का सेट है। यहाँ पे हमारे नीचे ट्रैकिंग है, स्लो ट्रैकिंग है, और यहाँ पे हमें सॉफ्ट पिक्चर अगर हमने घुमाना हो, यहाँ पे एक रेगुलेटर लगा हुआ है, इस रेगुलेटर से हम कोई भी डिग्री मतलब 360 डिग्री में घुमा सकते हैं, जैसे हमारी पिक्चर सॉफ्ट या शार्प होगी। सॉफ्ट मतलब कि इसमें स्मजिंग कर देंगे, शार्प मतलब इसके पूरे पार्टिकल्स दिखने शुरू हो जाएंगे। ये टाइम रिकॉर्डर, अगर हम टाइम के हिसाब से रिकॉर्डिंग कर रहे हो। और ये इसकी टेक्स्ट स्क्रीन है, जिससे हमें पता लगता है कि अगर हमें कोई भी डिश चला रहे हैं, डेट वगैरह कुछ भी हो, इससे हमें ऑटो। ये स्क्रीन लगी हुई है, रिमोट इंफ्रारेड रिमोट कंट्रोल वाली स्क्रीन है ये। यहाँ पे साथ में रीसेट बटन है, और यहाँ पे मेमोरी मेमोरी का सर्च लुक है, लॉक है यहाँ पे मेमोरी का सर्च लॉक, और यहाँ पे एक इंसर्टर है, तो थिंक सो दैट इज़ फॉर एनी यूज़। सो अब हम बढ़ेंगे इसके फंक्शंस की तरफ। ये ऊपर से कुछ ऐसा दिखता है, मतलब यहाँ से ऐसे, और ये अंदर का इनबिल्ट सिस्टम है सारा, अभी तो बहुत पुराना हो चुका है। नीचे से ये ऐसा कुछ दिखता है, ये इसका पैलेट है। अगर हम इसे खोलना हो और यहाँ पर कोई भी पार्ट रिप्लेस करना हो, तो हम इस पैलेट को अनलॉक करके इसमें से कोई भी पार्ट रिप्लेस कर सकते हैं, रिपेयर कर सकते हैं। इसका नीचे का एंगल है सारा, नीचे से ऐसा दिखता है ये। इसके बटन उल्टा होकर कुछ ऐसे दिखते हैं। तो ये अपने नेशनल कंपनी की एक डिस्क है, ये बेसिकली इसकी कैसेट है जो इसके अंदर डलती है। और ये कैसेट यही नेशनल कंपनी की है, नेशनल इसके साथ ही मिली थी है। ये सुप्रीम परफॉर्मेंस वाली वीडियो कैसेट है, VHS का मतलब ये है SP। नाउ आई गॉट टू नो अबाउट दैट। ये E180 की कैसेट है, NV E180 SPX। पीछे से कैसेट कुछ ऐसी दिखती है, इसकी क्वालिटी सर्टिफिकेशन मार्क है इसका, नेशनल वीडियो टेप्स का फर्स्ट वीडियो टेप्स टू बी अवार्डेड कोवेटेड क्वालिटी सर्टिफिकेशन मार्क इन जापान टू सर्टिफाई द हाई रिलायबिलिटी।
ये बेसिकली इसके पीछे क्वालिटी सर्टिफिकेशन मार्क दिया, मैंने पढ़ दिया अभी। और इसके नीचे द इस VHS वीडियो के सेट इज डिज़ाइन एक्सक्लूसिवली फॉर द यूज विद वीडियो कॉर्डर्स दैट कैरी VHS मार्क मैच शू विद इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रियल को लिमिटेड साका जापान मेड इन जापान। हाईली टेक्निकल चीज़ है ये। और इन्होंने बोला VHS मार्क के साथ जो भी चीज़ें हों बस उनके साथ ही हम यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये रहा VHS मार्क, इस हम इसके साथ यूज़ करेंगे क्योंकि इस पर VHS मार्क है। तो अब हम देखेंगे इसके अंदर का इसमें होता क्या है। ये बेसिकली एक कैसेट है, इसके अंदर जो है इनको कॉर्ड्स बोलते हैं। ये कॉर्ड्स बेसिकली जो इसके अंदर कॉर्ड्स हैं ये कॉर्ड सिस्टम्स हैं जो पीछे कनेक्ट हो चुके हैं। इस कॉर्ड से अगर हम जब अंदर लगाते हैं तो ये कॉर्ड जब घूमती है तो ये जो अंदर वाली कॉर्ड स्ट्रिप है वो घूमेगी, जिसके अंदर हमारा डाटा स्टोर है, डाटा पार्टिकल्स के फॉर्म में स्टोर होता है। ये नेशनल कंपनी की STD वाली रिकॉर्ड मतलब एक कैसेट है जो हम कैसेट प्लेयर में डालेंगे। और जैसे अगर हमने डालनी हो तो ये ऐसे डलती है इस तरफ को, यहाँ पे मार्क करा हुआ है कि हमें इस तरफ को डालनी है। ये VHS का ओपनिंग सिस्टम है। तो ऐसे कुछ अंदर चल जाएगी, मैं भी डाल ही रहा हूँ उसको अंदर ताकि ये अंदर फंस ना जाए। बस बेसिकली ये ऐसे अंदर जाती है और हम यहाँ से इसको इजेक्ट भी कर सकते हैं, यहाँ से इसको इजेक्ट कर लें। और यहाँ से अगर इजेक्ट हो जाती है तो ठीक है। और ये बेसिकली ये भी काम करेगी, ये जो डिस्प्ले है वो जो अंदर उसके लगा हुआ है, अंदर इसके ऐसा कुछ है जो ये इसको इसके कॉर्ड्स और इसके कॉर्ड सिस्टम्स को रिसीव करता है और फिर डाटा इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट ऑडियो एंड वीडियो अपनी स्क्रीन पे और अपने स्पीकर्स के थ्रू ये एक्सक्लूड करता है। तो बस ये था आज मैंने इसकी इंट्रोडक्शन दी। थैंक यू गाइस, बाय बाय।